हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट रेसिपी। फ्रेंड्स, जब भी हमने ज्वार की रोटी बनाई थी तभी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नाचने की भी ऐसी ही सॉफ्ट रोटी बनाना सिखाऊंगी। तो आज बारी आ गई है, हम बनाते हैं आज नाचने की रोटी। नाचनी रागी और भी अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। नॉर्मली ये रेड कलर का बारीक बीज रहता है जिसे हम अच्छे से ग्रेट करके पीस के इससे रोटी बनाते हैं। उसका पाउडर बना के, मतलब आटा बना के उसमें से हम रोटी बनाते हैं। नॉर्मली रागी जो है, नाचनी जो है, वो इंडियन क्रॉप है। बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत ही सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें से मिल जाते हैं। तो आपको 8 दिन में एक बार, वीकली 1 टाइम नाचनी तो खाना ही चाहिए, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए आज हम बनाते हैं नाचनी की रोटी। नाचनी का आटा लिया है मैंने, एकदम बारीक वाला आटा लेना है हमें नाचनी का। जितना आटा हमने लिया है उतना ही हमें पानी लगेगा, मतलब एक बाउल आटा है तो उसके सामने एक बाउल पानी है, और 1/4 टेबल स्पून जितना नमक है और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल है। जैसे ही हमने प्रोसेस करके ज्वार की रोटी बनाई थी वैसे ही हम नाचनी की रोटी भी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक टोक में पानी लेंगे। हमारा जो पानी 1 कप है, 1 बाउल है, जो भी आपने नाप से लिया है वही नाप से पानी लेंगे। आटा और पानी एक हिस्से का होना चाहिए। आटा ज्यादा पानी ज्यादा ये करेंगे तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से नहीं गूंदा जाएगा। उसके अंदर ही ऐड कर देंगे नमक और साथ में ही ऐड कर देंगे ऑयल। जैसे ही पानी एकदम अच्छे से उबलने लगे तभी हम उसके अंदर ऐड करेंगे आटा, और आटे को हम मिक्स करेंगे बेलन से। लेकिन फ्रेंड्स, हम गैस को स्लो कर देंगे ताकि जो आटा है वो नीचे चिपके नहीं। आटा ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे बेलन की मदद से, और अच्छे से एकदम ही मैश करना है। बस अभी हम मिक्स कर दिया है थोड़ा सा, तो गैस को हम टर्न ऑफ कर देंगे और अच्छे से एकदम ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक के रखना है अराउंड 5 to 10 मिनट्स तक, जब तक कि ये आटा थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। 10 मिनट हो गई है, अभी हम ये आटा जो है वो पतीले में से एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा और अच्छे से ठंडा होने देते हैं, ताकि जब भी हम हाथ से गूंदे इसे तो हमारे हाथ जो है वो जले नहीं। फ्रेंड्स, अभी ये एकदम ही ठंडा हो गया है और हम अपने हाथों से इसे हैंडल कर पाते हैं। अराउंड मैंने 10 मिनट खुला ही छोड़ा था, तो 10 मिनट में ये ठंडा होके रेडी हो गया है। बस अभी हमें आटे की तरह इसे गूंदना है। हल्का हल्का हम ठंडा पानी भी इसमें यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से चिकटपन इसमें आ जाए। अराउंड 2-3 टेबल स्पून जितना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं गुनते गुनते हमने एकदम ही चिकट कर लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हार्ड है, तो 1 टेबल स्पून जितना पानी हम वापस इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसे गूंदेंगे। अगर ब्रेक हो रहा है आटा तो ऐसा नहीं चाहिए, एकदम ही सॉफ्ट होना चाहिए हमारा आटा। आप देख सकते हैं मैंने एकदम ही सॉफ्ट आटा गून के रेडी कर दिया है, इतना टूटता भी नहीं है। और फ्रेंड्स, इसे हमने गर्म पानी में आटा गूंदने की वजह से, गर्म भाप में ये कुक होने की वजह से इसमें जो लचक है वो आ जाती है। अगर हम ऐसे ही आटा गूंदते हैं ठंडे पानी से तो इसमें
तुरंत ही ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर जो चिकटपन है वो नहीं आता है। नॉर्मली ये सारे ग्रेन ऐसे हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं, रागी, ज्वार और बाजरे, तो उसमें चिकटपन नहीं होता है। गेहूं का आटा है, हम ठंडे पानी में गूंदेंगे और मसलेंगे तो उसमें से ग्लूटेन होने की वजह से, उसके अंदर ग्लूटेन होने की वजह से वो एकदम ही चिकना हो जाता है। फ्रेंड्स, रोटी बनाने के सबसे पहले हम गैस का तवा जो है गैस चालू करके तवा उसके ऊपर रख देंगे, बिकॉज हमें रोटी बनाने के लिए, नाचनी की रोटी बनाने के लिए एकदम ही हीट तवा लगेगा, एकदम ही गर्म होना चाहिए तवा, तो ही हमारी रोटी अच्छे से कुक होगी, नहीं तो वो फट जाएगी। फ्रेंड्स, ये डो में से हम एक लोई बना लेते हैं, जितनी बड़ी छोटी आपको रोटी बनानी है वो हिसाब से आप ये लोई बनाइए। और सूखा आटा, नाचनी का ही आटा मैंने यूज किया है, अगर आपको ये स्टेज पे गेहूं का आटा यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। और इसे हम बेलेंगे एकदम ही इजीली, एकदम ही आराम से आप रोटी बेल सकते हैं और मन चाहे उतनी पतली बना सकते हैं ये रोटी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम ही पतली रोटी मैंने बनाई है, एकदम ही जैसे हमें गेहूं की रोटी मान लो, तो बस ऐसी ही पतली रोटी बनानी है और एकदम ही हीट तवे पे हमें ये रोटी को सेकना है। इसके ऊपर हमें पानी लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे हमने ज्वार की रोटी में लगाया था वैसे पानी हम नहीं लगाएंगे। हल्का सा लाइटर कलर आएगा, हल्का सा कलर चेंज होगा, तो बस टर्न कर देना है हमें इसे, और अब देख सकते हो तुरंत ही फूलने लगी है रोटी, तो ऐसे ही हम तवे पे ये रोटी को फुलाएंगे। सेकेंड साइड हमें जो है अच्छे से कुक करना है, अब देख सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर जो छाट है, जो कुक होने की निशान नहीं है वो अच्छे से आने लगी है, तो बस इसे हम टर्न कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रागी की रोटी है इसीलिए ब्लैक ही रहेगी, ब्लैक ग्रेन है ये इसकी वजह से, लेकिन खाने में उतनी ही हेल्दी और उतनी ही अच्छी है। दोनों साइड अच्छे से कुक करके इसे फुलाएंगे और फूलने के बाद ये रोटी एकदम से ही कुक हो गई है। और रागी जो है ग्रेन, वो ठंडी की सीजन में भी बहुत अच्छा रहता है हेल्थ वाइज, तो बस फ्रेंड्स ये कुक हो गई है। हमारे ब्लैक कलर की वजह से हमें कुकिंग का इतना क्लियर पता नहीं चलता है, लेकिन अगर अच्छे से फूल गई रोटी तो बस समझ लीजिए ये कुक हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी रोटी वापस प्रिपेयर कर लेंगे। वैसे ही ये हम दूसरी रोटी भी ये हम डाल देते हैं और अच्छे से कुक करते हैं। अगर आपकी लोढ़ी जो है ज्यादा गर्म हो गई है तो आप गैस को स्लो भी कर सकते हैं और
कम आंच पे भी थोड़ा सेक सकते हैं। वैसे ही हम ये रोटी को गैस के अंदर भी फुला सकते हैं, तो गैस के अंदर भी हम ये रोटी को फुला सकते हैं और अच्छे से कुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर हमारी रोटी पे भंवर आ गए हैं, अगर हमने डालने में प्रॉपर ट्रिक नहीं रखी है तो ये रोटी पे जो भंवर है उसके निशान आ जाते हैं, तो ये रोटी दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन खाने में तो वैसी ही रहती है जैसी हम आम रोटी बनाते हैं। अभी गरम गरम रोटी पे हम घी भी लगाएंगे। ऑयल आप यूज करते हैं तो ऑयल, अगर आप डाइटिंग करते हैं तो कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं घी या तेल, तो ऐसे भी आप ये रोटी खा सकते हैं। थोड़ा सा घी रहेगा तो रोटी उतनी ही सॉफ्ट रहेगी। आप देख सकते हैं एकदम ही सॉफ्ट और एकदम ही हेल्दी रोटी रेडी है, बिल्कुल भी टूटने में परेशानी नहीं है और ना ही इतनी क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स जरूर बनाइएगा नाचनी की रोटी, बहुत बहुत ही हेल्दी ग्रेन है ये, बच्चों को भी ये जरूर खिलाइएगा। नाचनी से हम डोसा भी बना सकते हैं और इसका खिचू भी बहुत अच्छा बनता है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी अच्छे से शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स ये रोटी हम रोटी के डब्बे में अच्छे से स्टोर करेंगे तो ये ऐसी की ऐसी 5 से 6 घंटे तक सॉफ्ट रहेगी। बहुत मजा आएगा खाने का, इसे ही आप टिफिन में ले जाइए और हेल्दी लाइफ लीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।